नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको देखने में मिल रहा है HDFC शेयर जो कि आपको 1500 में दिखा दे रहा है। हमें इसके बारे में आज बात करेंगे कि कितना ये लोएस्ट रहेगा, कितना हाईएस्ट रहेगा और आपको आने वाले टाइम पे किस प्रकार से प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और हर एक वीडियो से आपको प्रॉफिट दिखा के हम देंगे, ऐसा हम बताते हैं हर वीडियो में और आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। हम लगभग टारगेट्स रखते हैं 2 महीने का, जो कि आपको अचीव करना होता है, आपको प्रॉफिट ही जरूर मिलेगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो हम इस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो और इसको टारगेट देने वाले 2 महीने का और कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है, यहाँ से आपको डिटेल्स में समझाएंगे। तो हम डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे जो आज के दिन जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, हम आपको डेट दिखा देते हैं। 5 जून को हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग आप अगली 5 जून की बात करें, लगभग 1 महीने बाद की, तो आपको शेयर आराम से एक अचीव करता दिखाई देगा, लगभग 1700 प्लस और आप इस पर प्रॉफिट आराम से लेके जाएंगे। तो अभी भी मैं इसको अपॉर्चुनिटी रखता हूँ आपके लिए, 1450 मिनिमम प्राइस आप खरीद के रखिए, आने वाला टाइम आपको मल्टी बेगर अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। तो कैसे, वही आपको यहाँ पे हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे छोटी सी बात है कि अगर आपने इस चैनल को इस HDFC बैंक को शेयर को कुछ लिया हुआ है, रखा हुआ है, तो होल्ड करके रखिए, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर हम बताएंगे कि यह शॉर्ट टर्म में आपको कैसा रहेगा। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए खरीदना है, वही बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में आप इस शेयर को खरीदते हैं, मतलब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लगभग 6 महीने के अंडर में, तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म आपको 2 साल भी वेट करा सकता है 2000 तक के जाने के लिए, आप 2000 2 साल में, या फिर यहाँ पे 2 साल में आपको 2500 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म के भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन ही देता है, क्योंकि मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे कि शॉर्ट टर्म में भी आप काफ़ी अच्छा निकाल पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में भी एक मल्टी बेगर शेयर है, तो आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, तो हम टेक्निकल तौर पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको इसका जो डे बाई डे मिल रहा है आपको, तो 11 पॉइंट के साथ BRS मिल रहा है, बिकॉज ये डे का है, आपको 19 पॉइंट के साथ मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इसकी जो न्यूज़ आई थी वो थी 10 करोड़ का यहाँ पे RBI ने इस पर जुर्माना लगाया किसी एक गलती के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बहुत अफेक्ट पड़ा, उसके कारण से अभी थोड़ा सा लो चल रहा है अभी भी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 1450 में यहाँ पे बाई करके रखें, यहाँ पे अच्छा खासा मल्टी बेगर शेयर आपके लिए बनने वाला है। तो नेचुरल पॉइंट्स आपको 9 पॉइंट मिलेगा, बुलिश पॉइंट के साथ 7% यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपको नेचुरल जो BRS दिखा रहा है उसका फ़ायदा उठाइए और बाई करके रखिए, एनी टाइम आप इसको शो करके देखिए, ओनली एंड मार्केट के एंड पे आपको 1450 पे लगभग मिल ही जाएगा और आराम से बाइक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर जाएंगे तो वॉल्यूम्स के हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा जाता है इसमें, इस शेयर पे जाके आपको कॉल और पुट में आप बाइक बाई और सेल करते हैं, तो यहाँ पे एक मिनिमम बेस्ट आपको जो बाइंग ऑप्शन दी हुई है इस प्राइस के थ्रू, तो 1420 आपको एवरेज निकाल सकता है कि आपके लिए मिनिमम कितना बाइक कर सकते हैं। तो 1420 में आप इसमें स्टैक प्राइस लगा सकते हैं डे के हिसाब से, ताकि आपको नुकसान ना हो और आप आराम से इसको 1500 में तक में भी आराम से प्रॉफिट ले सकें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल, आप जाएंगे तो यहाँ पे क्वालिटी पर्पज़ से एक्सीलेंट, जो अधिकतर मैंने जितने वीडियो बनाए उसमें अधिकतर गुड देखने को मिला, लेकिन इस बैंक निफ्टी शेयर का जो HDFC बैंक का एक्सीलेंट वर्क बता रहा है, मतलब ये आने वाले टाइम का मल्टी बेगर शेयर है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे चुका है और देगा भी। ठीक है, वॉल्यूम से तो एक्सपेंसिव है, जब कुछ यहाँ पे वॉल्यूम्स भी तगड़ा आता है, और फाइनेंशियल ट्रेड पॉजिटिविटी मतलब एकदम नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सीलेंट वर्क कर चुका है आपके लिए पॉजिटिविटी में। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रेड एकदम मस्त पूरी आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। स्टॉक में जो 1 ईयर का रिटर्न है आपको 49% के साथ दे रहा है, और सेक्टर्स के अंदर ये अपने जो जैसे कि बैंक निफ्टी, तो बैंक सेक्टर्स से अपने जो भी कंपटीटर है इसके, तो उसके अंदर 65% का इसने ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें तो 53 के हिसाब से इसने आपको प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अगर आपने इसमें डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है बैंक इसी ईयर के हिसाब से, तो अभी कुछ प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि वैसे कोरोना चल रहा है तो डिविडेंड बहुत ही कम कंपनियाँ देती हैं ITC के, तो छोटी सी बात है, आपको इस पर परफॉर्मेंस नहीं करना है, बिकॉज आने वाले टाइम पे वैसे ही आपको अच्छा खासा रिटर्न इस शेयर के थ्रू मिल जाता है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं इस वीडियो में, हम जैसे ही बात करेंगे चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न आपको एक मल्टी बेगर थ्रू दिखाई देगा, 2018 में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है,
2018 से 2020 तक का आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 2018 में इसको बाय किया होता तो आपको 800 में शेयर मिल जाता। सॉरी यहाँ पे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ दूसरा शेयर दिखा रहा है। सो हमने बात करनी है HDFC की। सॉरी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है शेयर 2019 की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपये में था और लगभग आपको 2021 की बात करें 2020 में ये लो गया था 800 कुछ रुपए का। सो यहाँ पे आपको 1500 देखने को मिल रहा था, तो कुछ ही महीने की बात है तो 1600 भी गया हुआ था। ठीक है, तो इसके में यही आपको प्रॉफिट का बात रहेगा कि आपको इसमें कुछ अच्छी खासी अमाउंट लगा के रखनी ताकि आपको आने वाले टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे वीडियो देखने के लिए, और आने वाले टाइम पे और भी बेहतरीन वीडियो, प्रॉफिटेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और देखते रहिए मार्केट प्रोडक्शन, जिसमें आपको हर एक प्रोडक्शन का हिसाब दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।